गाइस राम राम टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो माय नेम इज अखिल स्कोले, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हमारा रहने वाला है अनबॉक्सिंग का। आज मैं मीडियम मोड की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो कि मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। मैंने इसमें ग्रो प्रो भी इंसर्ट किया हुआ है। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा ये किस तरह से वर्क करता है और क्या मतलब कि आपको परचेज करने के लिए यहाँ तो अडेप्टर बढ़िया रहेगा या फिर ये मीडियम मोड मतलब कि बेटर रहेगा तो क्या आप परचेज करें। तो सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सबका आंसर मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में दे दूँगा। ऑलमोस्ट जब भी आप अडाप्टर खरीदोगे या फिर आप मीडियम मोड खरीदोगे तो इन दोनों में मतलब कौन सा बेटर है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप मीडियम मोड ही लो। जब भी आप अडाप्टर लोगे वो उसकी कॉस्ट आपको कम से कम 4500 तक की पड़ेगी और मीडियम मोड आपको कम से कम मतलब कि 2500 रुपये ज़्यादा दे के आप मीडियम मोड भी परचेज कर सकते हो। 2 से 2500 रुपये मतलब ज़्यादा देके आप मीडियम मोड को आराम से परचेज। इसकी दोस्तों अनबॉक्सिंग स्टार्ट करूँगा तो आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो वैसे तो मैंने पहले परचेज करके इसको देख लिया खोल के, क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन परचेज किया था स्टोर से। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपको भी बताते हैं। कुछ ज्ञान की पुस्तकें हैं जो कि हमने पहले से पढ़नी नहीं है, और ये भी एक छोटी छोटी ज्ञान की पुस्तकें, इनको करेंगे साइड पे और देखेंगे कि इसमें क्या है। बॉक्स है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आएगा ये। तो इसके बीच में रहेगा एक ये आपका माउंट रहेगा, ये आप उसको बदल के लगा सकते हो, प्लग कर सकते हो। एक स्क्रू रहेगा ये, तो ये कुछ इस तरह से लग जाएगा। दोस्तों ये रहेगा फाइनली हमारा मीडियम मोड, और बस इसमें इतना ही, कुछ और ज़्यादा है नहीं है। बॉक्स को करेंगे हम एक तरफ, ये है बस दोस्तों, ये इतना सा कवर आपका मीडियम मोड है। बेसिकली जब भी आप दोस्तों गो प्रो खरीदते हो तो मतलब कि आपको ऑडियो के लिए बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जब भी आप कोई ऑडियो मतलब कि कोई अगर वायरलेस माइक परचेस करते हो या वायर वाला माइक परचेस करते हो तो डायरेक्ट वो कनेक्ट नहीं होता, चाहे आप उसको OTG से कनेक्ट करो लेकिन फिर भी नहीं होगा। तो आपको कोई ना कोई, यहाँ तो दो ही चॉइस है आपके पास, या तो आप अडाप्टर परचेस करोगे या फिर आप परचेस करोगे मीडियम मोड। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप मीडियम मोड ही परचेस करें। आपके साथ ये गो प्रो भी रखा हुआ है तो मैं बताऊंगा ये किस तरह से आप फिक्स कर सकते हो आप इसको। तो बहुत इजी है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा, इस तरफ से ऊपर उठा के, जैसे मैं इसको उठाऊँगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको टाइप सी दिख रही होगी। वो ही हमने टाइप सी को दोस्तों इसके साथ कनेक्ट कर देना, लेकिन उसके लिए हमें इसका कवर खोलना पड़ेगा GoPro का, जिसके मैं खोल के दिखाता हूँ और आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। बहुत ईजी है इसको खोलना, तो ये खुल गया है। इसको खोलने के बाद दोस्तों GoPro आपका, जैसा कि आप जानते हो कि वाटरप्रूफ नहीं रहता, तो इसको साइड पर रखेंगे, इसको हम डायरेक्ट डालेंगे टाइप सी वाली तरफ से, ऐसे कि इस तरफ से डलेगा ये। और यहाँ से कर देंगे इसको बंद। तो इस तरह से अब हमारा ये मीडियम मोड हो गया कनेक्ट। बढ़िया वाला जो इसका बेनिफिट होने वाला है, आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है इस फ्रेम को, और ये मेरे पास GoPro पड़ा हुआ है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे टाइप सी है और इसकी टाइप सी है, इन दोनों को करना है आपस में कनेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। बस जब ये इस तरह से चले जाएगा और यहाँ से कर दो इसको बंद, तो ये हो गया हमारा कनेक्ट। और नीचे से इसके इसको आप कर सकते हो ऐसे कनेक्ट। इतना सा हमारा मीडियम मोड है। और ये मैं बता दूँ कि अडाप्टर के मुकाबले आपको ये ज़्यादा सस्ता मिलता है। यहाँ पर आप मार्केट में 4500 रुपये मतलब एक प्रोडक्ट पर जो इतना सा अडाप्टर है उसके परचेज करोगे, मतलब किसी प्रोडक्ट को, मतलब इतने ज़्यादा बेस्ट इज ऑफ मनी है ये। तो इससे मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि ये बेस्ट है और इसको मतलब कि परचेज करने के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। आप डायरेक्ट आप चार्जिंग की दिक्कत चले जाएगी आपकी, 3.5 mm जैक को आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से इजीली। तो ये रहे इसके सब जैक वूक सब भी जो भी है। और ये मतलब नॉइस में थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा मतलब हवाएं चल रही थी।